बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। हेयर इज़ मिस नाइला, योर ड्राइंग टीचर। टुडे इज 17 सितंबर 2020 एंड डे इज थर्सडे। ओके स्टूडेंट, आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट योर लेसन। यूनिट नंबर 4, टॉपिक ग्राफ ड्राइंग। लेट्स स्टार्ट पेज नंबर 21, ग्राफ ड्राइंग। Graph drawing is a great method to copy the reference image in a correct proportion. The grid method is not only useful for photo realistic painting but is also applied to enlarge, reduce or transfer drawing in any style. अब क्या है, graph drawing जो है वो grid method है। आप grid method बनाते हैं, कॉपी करते हैं कोई भी इमेज, जो भी आपको कोई भी आपको एक कोई भी आपको पेंटिंग या कोई तस्वीर आपको पसंद आती है, आपका दिल चाहता है कि आप उसको या तो आप उस इमेज को बढ़ा करके बनाएं या उसको उसी तरह कॉपी करें। आपने अगर एक्यूरेट उसको बनाना है तो उसके लिए आपने कौन सा मेथड यूज़ करना है, ग्राफ ड्राइंग मेथड यूज़ करना है। उसको यूज़ करके आप किसी भी इमेज को इनलार्ज कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसा वो इमेज बना हुआ है एज़ इट इज़ उसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं इन एनी स्टाइल, ड्राइंग इन एनी स्टाइल। ठीक है, इससे आपका ग्राफ बनाने से आपकी एक्यूरेट बिल्कुल ड्राइंग बनती है। ठीक है, जब हम क्लास में इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। ग्रिड, अब ग्रिड क्या है? ग्रिड इज़ अ टूल दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन लाइंस, एंगल्स, कॉलम और रो कवरिंग अ गिवन एरियाज। ग्रिड मस्ट हैव 1:1 means the exact numbers of the lines on the drawing paper as the reference image has. The line must be equally spaced apart. अब उन्होंने क्या कहा है कि ग्राफ टूल जो है वो ऐसा है जो लाइन, एंगल्स और कॉलम्स और रो कवरिंग अ गिवन एरिया, आपने इस एक्यूरेट बिल्कुल ग्रिड बनाना है। रेशो जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर का होगा और ड्राइंग पेपर पे आप रेफरेंस इमेज के ऊपर बनाएंगे। ठीक है, उसको इक्वली स्पेस देकर बनाएंगे ग्राफ को। ठीक है, अब ग्रिड मेथड क्या है वो आपको ग्रिड मेथड बताने लगे हैं पेज नंबर 21। द ग्रिड मेथड इज वे टू रिप्रोड्यूस और इनलार्ज और रिड्यूस an image. To draw grid, put the ruler at the top edge of the image. Make a small mark at every inch. Place the ruler at the bottom edge of the image in the same way. अब जो इमेज आपको दिखाया जा रहा है उसको गौर से देखें। उसमें देखें, उन्होंने कहा है कि आपने रोलर यूज़ करना है और आपने पहले टॉप पर लाइंस लगानी है, हर एक इंच के बाद एक एक नंबरिंग देते जाना है, 1 इंच 2 इंच 3 इंच, इसी तरह जितना आपका इमेज होगा उसके मुताबिक आपने उसको डॉट लगाकर, मार्क लगाकर इंचेस हर इंच के बाद लगाना है और फिर बॉटम पर नीचे आपने एक लाइन लगानी है रूलर के साथ और उस पर भी सेम इसी तरह आपने डॉट लगाने हैं। ठीक है, नाउ स्टूडेंट ओपन योर नोट्स। यूनिट नंबर 4, टॉपिक है हमारा ग्राफ ड्राइंग। पेज नंबर 7, नाउ स्टार्ट एमसीक्यूज नंबर 1। मेथड टू कॉपी द रेफरेंस इमेज इन अ करेक्ट proportion is still life drawing,
ग्राफ ड्राइंग, वाटर ड्राइंग, इसका राइट आंसर क्या आएगा? ग्राफ ड्राइंग, अभी हमने पढ़ा है, क्या आएगा इसका राइट आंसर? ग्राफ ड्राइंग। एमसीक्यूज नंबर टू, ग्रिड इज़ द टूल दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन डैश, किस पे कंस्ट्रक्ट होता है? कलर एंड ह्यू, पर्सपेक्टिव, लाइन, एंगल्स एंड रॉ, शेप्स एंड फॉर्म, इसका राइट आंसर क्या है? लाइन, एंगल्स एंड रॉ। पेज नंबर 7, नाउ क्वेश्चन आंसर, व्हाट इज ग्राफिक ड्राइंग? आंसर, ग्राफिक ड्राइंग इज अ ग्रेट मेथड टू कॉपी द रेफरेंस इमेज इन अ करेक्ट प्रपोर्शन। इट इज़ यूज टू इनलार्ज, रिड्यूस और ट्रांसफर द ड्राइंग। अब उन्होंने पूछा है ग्राफिक ड्राइंग क्या है। आपने ग्राफिक ड्राइंग का मतलब है ग्रिड मेथड। आपने कोई भी इमेज को बिल्कुल करेक्ट प्रपोर्शन में ट्रांसफ़र करना है, उसको बड़ा करके या छोटा करके या जितना है उतना, उसको कहते हैं ग्राफिक ड्राइंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन ग्रिड मेथड इन अ सिंपल वर्ड्स। आंसर, ग्रिड इज़ अ टूल दैट इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन लाइंस, एंगल्स, कॉलम और रोज। द ग्रिड मेथड इज़ यूज टू रिप्रोड्यूस और इनलार्ज और इन रिड्यूस एन इमेज। अब ग्रिड टूल जो है वो कंस्ट्रक्ट करता है क्या? लाइंस को, कॉलम्स को, एंगल्स को और रोज को। और ग्रिड मेथड से आप यूज़ करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं या उसको इनलार्ज करते हैं या रिड्यूस करते हैं इमेज को। ठीक है स्टूडेंट, नाउ नोट योर होमवर्क। आपने करना है प्रैक्टिकल नंबर 1 अपनी स्केच बुक पर। होपफुली ये सब प्रैक्टिकल्स आपने स्केच बुक्स पे किए होंगे। इंशाल्लाह ताला जब रीओपन होंगे स्कूल तो मैं आपके सारे प्रैक्टिकल्स चेक करूँगी। और आपने लर्न करने हैं MCQs 1 and 2 और लर्न करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स 1 and 2। ओके स्टूडेंट, स्टे सेफ एंड हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।